हेराल्ड होल्ट जो ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, ये साल 1967 में विक्टोरिया के सेवियट बीच पर नहाते समय अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। ये सर्च ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सर्च ऑपरेशंस में से एक था, लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया और आज तक उनकी लाश नहीं मिली है। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए हैं। किसी का कहना था कि ये कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, तो किसी ने कहा कि टाइम ट्रेवल के जरिए वे किसी और डायमेंशन में चले गए हैं। लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है।